सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो हमारा लैपटॉप ऑन हो गया है और आप देख ही सकते हैं लुकिंग वाइज कैसा है। ठीक है, तो मैं जो है वो इसका हम सेटअप कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एक नए अनबॉक्सिंग में। जो एचपी का लैपटॉप है 15S सीरीज का, FQ करके जो सीरीज है उसका अनबॉक्सिंग हम आज आपके लिए लाए हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो बॉक्स है वो टॉप से कुछ ऐसा दिख रहा है। इस वाली साइड है, वहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन द बॉक्स, अंदर बॉक्स के अंदर की जो बात की जाए तो हमें यहाँ पे एक बॉक्स जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं मिला हुआ है, ये वाला एक बॉक्स। उसे साइड में रखते हैं थोड़ी देर और देखते हैं अंदर। इस साइड कुछ नहीं है। अब जो है वो निकालते हैं। ओ यस, हाँ जी गाइस, तो पढ़ सकते हैं, आपके लिए लव लेटर आए हैं। छोड़ देते हैं इसे भी साइड में। अब निकालते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छी तरीके से पैकिंग किया हुआ और बॉक्स देख सकते हैं, बॉक्स के अंदर अब कुछ नहीं है। इसे भी रखते हैं साइड में। आते हैं इस वाले बॉक्स पे, तो पन्नी में हमारा लैपटॉप है, साइड में रखते हैं। ये वाला बॉक्स जो है वो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। यस, तो एक पावर कोड, पावर एडेप्टर के लिए पावर कोड यहाँ पे हमें मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 65 वोल्ट का जो चार्जर है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो गाइज, हटाते हैं इसके पन्नी और आपको दिखा देते हैं लैपटॉप। इस वाली पन्नी में जो है वो लैपटॉप आया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारा लैपटॉप। आइए ओपन करता हूँ। ओपन करते ही हमें यहाँ पे एक जो है वो स्क्रीन प्रोटेक्शन ऐसा मिल रहा है। ये हमारी डिस्प्ले हो गई, कीबोर्ड आप देख सकते हैं। और तो जो है वो बॉक्स में और कुछ नहीं आया है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आइए अब करते हैं लैपटॉप को ऑन और करते हैं सेटअप। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल लुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो वेब कैमरा मिल जाता है, एक जो है वो LED इंडिकेटर है, उसके बगल में ही जो माइक है वो दिया गया है। कीबोर्ड की बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है वो कीबोर्ड है। इसमें फंक्शनली यहाँ पे जो है F5 से आप कीबोर्ड की लाइट जो है वो उसे ऑफ ऑन कर सकते हैं। दो पार्ट में लाइट, टोटल तीन पार्ट में लाइट आती है। जैसे कि दो पार्ट हो गए, इसको ब्राइटनेस ज़्यादा करने का, एक कम करने का और एक जो है वो बंद करने का। ऐसे F5 से आप डायरेक्ट F5, आपको कुछ फंक्शन वगैरह कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ही F5 प्रेस करके ऐसे जो है वो कीबोर्ड की ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी तो जो नॉर्मल फंक्शन सारे लैपटॉप में होते हैं वही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो तकरीबन 4 इंच का जो है वो हमें टच पैड मिल रहा है यहाँ पे राइट लेफ्ट। बात की जाए फ्रेंड्स जो लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, पावर बटन है और जो है वो हमें यहाँ पे पावर पावर चार्जर जो सॉकेट है वो दिया गया है। यहाँ पे दो USB सॉकेट दिए गए हैं और जो है वो लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। आइए फ्रंट की ओर से आपको लैपटॉप दिखा दूँ। यहाँ पे फ्रंट की ओर आप देख सकते हैं कि कोई भी इंडिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, कोई जो है वो बटन वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। राइट साइड में अगर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे जो है वो हमें SD कार्ड का
सॉकेट मिल रहा है। यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो आउटपुट जैक हमें मिल रहा है। अगर आगे आते हैं तो यहाँ पे जो है वो ब्लिंक हो रही है, पावर बटन है, जो लोड LED है वो है। यहाँ पे जो है हमारा टाइप सी इनपुट आउटपुट है। यहाँ पे हमें एक HDMI आउटपुट मिल रहा है। अगर बात करूँ बैक में, तो बैक में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर मैं आपको पूरा बैक साइड से लैपटॉप दिखाना चाहूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर एग्जॉस्ट के लिए काफ़ी मोटी जगह दी गई है। यहाँ पे जो है XT का लगी हुई है, HP लिखा हुआ है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो हमारा लैपटॉप ऑन हो गया है और आप देख ही सकते हैं लुकिंग वाइज कैसा है, ठीक है। तो मैं जो है वो इसका हम सेटअप कर लेते हैं, फिर आपको जो है वो बताते हैं कि किस पर्पज़ में आप इसको ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं सेटअप को आगे बढ़ाता हूँ। सो फ्रेंड्स, सेटअप जो है वो हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। तो पूरा सेटअप है वो हमने इंस्टॉल कर लिया है, सॉफ्टवेयर वगैरह भी हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। आइए अब जो है वो मैं फाइनल आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूँ। यहाँ पे हमें i5 12 जनरेशन का जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे मिल रहा है। 16 GB 16 GB की रैम है यहाँ पे। आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज यहाँ पे लाइसेंस हमें मिल रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है लैपटॉप का। इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो हमें यहाँ पे ऑफिस जो है वो होम एंड स्टूडेंट 2021 जो है वो हमें लाइसेंस मिल रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे जो है वो हमें स्टिकर भी देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हैं जैसा कि हमने आपको बताया था। सो फ्रेंड्स, अगर यूज़ की बात की जाए तो आप इस लैपटॉप को इस पर्पज़ से ले सकते हैं, जिससे कि आपका ऑफिस का वर्क हो गया, नॉर्मल ऐसे ही थोड़ी सी गेम वगैरह हो गई, और कोडिंग रिलेटेड काम हो गया, ऑटोकैड कोरल ड्रॉ वगैरह जैसे काम हो गया, नॉर्मल जैसे कि वीडियो एडिटिंग वगैरह हो जाएंगे क्योंकि 16 GB रैम है। और SSD की बात करें तो इसमें हमें 512 GB की SSD NVMe मिल रही है। फ्रेंड्स, अगर प्राइस की बात की जाए तो ऑफ द मार्केट ये आपको 65 के अराउंड मिल जाएगा, 62 से लेके 65 या 67 भी हो सकता है। ऑनलाइन भी जो है उसकी इतनी ही प्राइस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन लेने से बेटर ये है कि आप जो है वो कोई शॉप से ही ले लें। ऑनलाइन का क्या है कि ज़्यादातर भरोसा होता नहीं है। तो अगर आप लेना ही चाहते हैं तो आप अपने रिटेलर जो है उन्हीं से ही ले। ज़्यादातर अगर यूज़ की बात की जाए तो आप इसे स्टडी के लिए ले सकते हैं, जैसे कि BCA हो गया, BBA हो गया, ऐसे कंप्यूटर रिलेटेड जो एजुकेशन है उसके अगर उस पर्पज़ से आप लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है, आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपकी जो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं उससे पहले जो सर्च करते हैं उसको जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन सही मिले, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक हमारे मेहनत के लिए ज़रूर कीजिएगा। अगर ऐसे ही नए नए प्रोडक्ट जो है वो आपको अनबॉक्सिंग कर देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।